फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विलेज वुमन स्मिता में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड, अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मायके पे हूँ। तो फ्रेंड, आज एक छोटा सा रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम देसी चूल्हे पे बनाने वाले हैं। और इधर आप देखे होंगे कि मैं गैस में बनाती हूँ, तो आज हम देसी चूल्हे पे देसी तरीके से बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी का ककड़ा पीठा, ठीक है। इसे आप स्टोव करके भी बना सकते हैं, तो मैं इसे बिना स्टोव का ही बना रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं कुछ यहाँ पे सामग्री ली हूँ जो आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। और ये लकड़ियाँ हैं, तो अभी मैंने चूल्हा जलाया नहीं है, तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें लिया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ है नमक, हमें थोड़ा सा नमक का यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिया है ये सौंफ, आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं या फिर इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैंने मेजरिंग के लिए एक बर्तन ली, साथ ही तेल है। और यहाँ मैंने लिया है ये 4 पैकेट सूजी, तो इसका मेजरिंग हम करेंगे इस वाले टिफिन से। साथ में यहाँ पे मैंने लिया है पानी, तो इन सब चीजों का हमें जरूरत होगी। आप इसके जगह में ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, मैंने उसे नहीं लिया है, वो ऑप्शनल है। और मैं इस वाले जो बर्तन है इसी से मैं मेजरिंग करूंगी, जितना हम सूजी लेंगे उसका डबल पानी। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं और फिर कढ़ाई उस पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं चूल्हा को जला लेती हूँ। देखिए, मैंने सूजी का पैकेट को फाड़ लिया है। अभी हम इसमें मेजरिंग करेंगे कि कितना होता है सूजी, उसके बाद हम पानी उस हिसाब से डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सूजी को डाल देते हैं। तो यहाँ हमारा 2 टिफिन हुआ है सूजी, आधा में रख दिया है, तो हम 4 टिफिन पानी डालेंगे। तो कढ़ाई हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे मैं 4 टिफिन पानी डाल रही हूँ। जो भी आप मेजरिंग कप ले, अगर 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी डालें। तो मेरा 2 टिफिन हुआ है सूजी, तो 4 टिफिन यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। और ऐसे हम हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो अब हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ, साथ ही 1/2 छोटा चम्मच नमक और चीनी डालेंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। और हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, जब तक कि चीनी घुल ना जाए पानी में, हमें इसे मिक्स करते जाना है। तो हम चीनी को मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। तो हमारा चीनी लगभग इसमें घुल चुका है, आप चीनी के जगह में गुड़ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है पानी में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके देखिए सूजी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते जा रही हूँ। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये आपस में लम्स बन जाएंगे। और हमें हाई फ्लेम पे ही इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, जब तक कि ये पूरा अच्छा से जम ना जाए, एक डो टाइप से ना हो जाए। और ये बहुत ही जल्दी जो है एक डो टाइप से रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं कि ये डो टाइप से बिल्कुल बनने लगा है। तो हमें इसे अभी तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई से चिपकना बंद ना हो जाए, तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और एक बहुत ही अच्छा सा हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। तो अभी हम इसे उतार देते हैं चूल्हे पर से और एक अलग बर्तन में इसे हम निकाल लेते हैं और हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, मैंने इसे अलग गमले में निकाल दिया है। अभी हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, तो इसका ठंडा होने का वेट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। हमें इतना ठंडा करना है ताकि हम हाथ से इसे छू सके। तो थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक मैं कढ़ाई को साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर फिर हम इसे फ्राई करें। तो थोड़ी देर बाद देखिए, ये हमारा जो डो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें बनाएंगे पिठा। तो यहाँ मैंने ये एक अच्छा शेप लाने के लिए लिया है, देखिए ये एक गिलास, इसे से हम इसे कट करेंगे और यहाँ पे बेल के इसे कट करेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी इस तरीके से इसे फ्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा शेप दिखे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये गिलास लिया है। और इधर हम तेल गर्म होने के लिए रख देंगे चूल्हा।
तो हमें हाथों को अच्छे से चिकना कर लेना है और रिफाइंड के तेल में थोड़ा सा लगा ले रही हूँ चकला बेलना पर और हाथों पे भी। और हमें एक रोटी का जितना हम डो लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हमें लेना है और अच्छे से उसे रोल कर लेना है। ये इजीली हो जाता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और हमें रोटी से हल्का मोटा ऐसे बेल लेना है। तो देखिए मैं यहाँ बेल रही हूँ और अच्छा शेप लाने के लिए मैं बड़े वाले गिलास से ऐसे कट कर रही हूँ। इससे ये होगा कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये, लेकिन मैं बाद में फिर हाथों से ही करती हूँ। तो अभी मैं ये शेप वाला इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आधा बना लिया है और बाकी जो है मैं हाथ से ही बनाऊंगी। ये मैंने आपको डिजाइन दिखाने के लिए ग्लास से कट किया है। तेल हम डाल देते हैं कढ़ाई में। तो यहाँ रिफाइन का तेल मैंने डाल दिया है और इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर देखिए मैं हाथ से ही इजीली बना रही हूँ पिट्ठा और बहुत ही आसान से बन रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, आप खुद देख सकते हैं। बस मैं हाथों पे इसे लेके हल्का सा इसे चपटा कर देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डो डाल रही हूँ कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। ये तेल के ऊपर आ रहा है तो बस हमारा तेल परफेक्ट गर्म है। तो अभी जो मैंने डो डाला है उसे मैं निकाल कर सबसे पहले अग्नि माता को ही दे देती हूँ। और अभी हम बनाएंगे पिट्ठा और आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे से फूल के ऊपर आते हैं, एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड खाने में। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हमें हल्के से इसे कलछुल से इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, ये देखिए गुब्बारे जैसे फूल के ऊपर आ रहे हैं। तो एक बार में जितने आए उतने ही डालें। मेरा यहाँ देखिए एक चिपक चुका है क्योंकि कढ़ाई है छोटा और मैंने एक साथ डाल दिया है चार, लेकिन गुब्बारे जैसा फूला है आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो मैं देसी चूल्हे पे बना रही हूँ, मायके का ज़्यादा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी फ्रेंड। तो फिर कभी पॉसिबल होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ देखिए मैं निकाल ली हूँ आधा और जो जितने भी मैं बनाई हूँ उन सभी को फिर फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड। तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ जितने भी मैंने रेडी किए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सारे जो सूजी का पिट्ठा है वो बहुत ही अच्छे से फूल के रेडी हो रहे हैं और ओडिशा का ये स्पेशल डिश माना जाता है। मैं यहाँ अकेले ही बना रही थी तो फिर यहाँ पे फिर भाभी आते हैं मेरे हेल्प करने के लिए, बोलते हैं जल्दी हो जाएगा फटाफट से आप उधर फ्राई कीजिए, तब तक मैं इधर हाथों से रोल कर रही हूँ। और ऐसा ही होता है फ्रेंड, अगर कोई साथ में रहे तो बात करते करते कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है। और अकेले बनाने से बहुत टाइम लगता है ऐसा लगता है हमें, और कोई साथ दे देता है तो झटपट बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि हम बात कर करके बनाते हैं और हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है कब हमारा बनके रेडी हो जाता है रेसिपी। तो यहाँ भाभी मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं फटाफट से फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल गुब्बारे की तरह। तो फटाफट से मैं फ्राई कर लूँगी, अभी ज़्यादा नहीं है तलने के लिए, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो मैं आज बना ही रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये है हमारा लास्ट, तो सभी को मैंने फ्राई कर लिया है, ये लास्ट है हमारे, इसे भी हम निकाल लेते हैं और फिर चूल्हे पर से कढ़ाई को हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड हमारे सारे जो है सूजी का पिठा बन चुका है और मैं अभी आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं पास से। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं, कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा देखिए सूजी का ककड़ा पिठा 1 किलो सूजी से मैंने बनाया था, जो कि हमारा इतना सारा बनके रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो हमारा सूजी का काकरा पिठा रेडी है फ्रेंड। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसे स्टफ वाला भी बना सकते हैं, तो स्टफिंग वाला मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।